मौसम कुछ ऐसा सा है देखो। और सुकांत क्या हाल चाल भाई? बढ़िया। सुकांत आया सुबह सुबह हमसे मिलने, मजा आ गया सुकांत से मिलके सुबह सुबह। और अब हम लोग निकल रहे हैं, हम लोगों को जाना है वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट के अंदर हम घुसने वाले हैं नहीं, हमारे ऑलरेडी पिकअप सेट है, एक टाइम सेट किया हुआ, वो लोग आते हैं बाहर, आपकी गाड़ी का डिक्की खोलो, अपने आप सामान अंदर और उसके बाद निकल जाओ। आज हम जाएंगे वॉलमार्ट अपना थोड़ी ग्रोसरी लेने, उसके बाद हम जाएंगे हायाबूसा का एक कवर लेने के लिए, क्योंकि हायाबूसा ऐसी खड़ी रहती है शेड के अंदर खड़ी रहती है, मगर फिर भी धूल मिट्टी फिर भी थोड़ी बहुत लगती रहती है, तो इसलिए थोड़ा कवर्ड रहना अच्छा है ना। बढ़िया। हाँ, तो और मौसम कुछ ऐसा है अभी का, ऐसा सा कुछ मौसम हो रखा है, क्लाउडी और बारिश ही बारिश, हर समय बारिश। चलो आ जाओ सब बैठो, चलते हैं। अब ये हम लोग आ गए होम डिपो। होम डिपो ये ऐसी जगह है जहाँ पे घर के कंस्ट्रक्शन के सामान से लेकर आपका वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, सारे हाउस के अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, प्लस आपके घर बनाने का सारा सामान सब कुछ मिल जाता है। गार्डनिंग का भी सब कुछ मिल जाता है, मतलब सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे ए टू जेड। और इसके साथ में ही है वॉलमार्ट, तो ये दोनों जगह एकदम साथ में है। तो हम लोग जब मूव हुए थे तो हमारे को बहुत आसानी हुई थी यहाँ पे नए घर के लिए सामान खरीदने के लिए, और वॉलमार्ट सामने साथ में था, तो इसलिए हम लोगों को अपने घर से दूर जाना नहीं पड़ता कहीं पे। हम लोग अंदर जाने नहीं वाले वॉलमार्ट के अंदर, जैसे कि आपको बताया था यहाँ पे पिकअप का अलग स्पॉट होता है, तो हम लोग पिकअप स्पॉट पर खड़े हो जाते हैं, जितना हो सके हम लोग अवॉइड करते हैं भीड़ भाड़ में जाना, तो इसी वजह से अभी हम लोग जा रहे हैं पिकअप स्पॉट पर, खड़े हो जाएंगे। कॉल कर So the way it works is I just have to check in on my phone on the app. Okay. Sorry, it didn't show me that. After you approve it, it just kind of closes it up. Okay. Thank you. हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं हायाबूसा का एक कवर लेने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है वो। अब तो यहाँ से वो ज्यादा दूर है नहीं, लेट्स सी कितनी देर, 15 मिनट का रास्ता होगा मैक्सिमम, तो निकलते हैं अभी। और अभी हम लोग जाएंगे बैंक। अभी देखो बैंक भी यहाँ पे ड्राइव थ्रू है, बैंक कुछ इस तरीके का है कि हम लोगों को अंदर जाके चेक डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, एक चेक है हमारे पास तो डिपॉजिट करना है हमारे को, तो डिपॉजिट करने के लिए हम लोगों को बैंक के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, हम लोगों के लिए ड्राइव थ्रू एक अलग से एटीएम बना हुआ है यहाँ पे, तो लेट्स चेक इट आउट कैसा होता है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है हमारा बैंक जिसमें हमारा अकाउंट है, ऐसे तो बहुत सारे बैंक है लेकिन ये यहाँ का बहुत अच्छा बैंक है, चेज बैंक। हम लोग अंदर नहीं जाएंगे इसके, हम लोग पीछे से जाएंगे। कुछ इस तरह का है एटीएम, कुछ एटीएम तो ये नॉर्मल सा ही लगता है मेरे को, जैसे नॉर्मल एटीएम्स होते हैं, बस ये है कि ये ड्राइव थ्रू है। हो गया हमारा काम बिना अंदर जाए, अब चलते हैं कवर लेने के लिए। मौसम बहुत अजीब सा हो रखा है इस समय, इतना मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अगर धूप वगैरह होती है ना इंसान के अंदर एक पॉजिटिविटी और एक एनर्जी आती है, लेकिन अभी बादल छाए हुए हैं, अंधेरा अंधेरा सा है, बारिश हो जा रही है, बाहर कुछ कर नहीं सकते, चिपचिपा सा मौसम है, गीला गीला फील हो रहा है, इससे बढ़िया बस गाड़ी में बैठो या तो घर में बैठो। नैनो का बच्चा, ये नैनो का बच्चा था जो चल रहा था, पता नहीं क्या थी वो गाड़ी का नाम क्या था, पता नहीं। Passes by you, it will just flip.
देखिए आप सब, ये जो देख रहे हो ना पाइप, बड़े वाला पाइप, ये जो बड़े वाला पाइप और ये कमरा सा है, ये कमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये दिस इज अ पंप। ऐसे न्यू ऑर्लियंस के अंदर बहुत सारे पंप हैं जिनकी वजह से हमारा न्यू ऑर्लियंस ड्राई रहता है, क्योंकि न्यू ऑर्लियंस बिलो सी लेवल है। वी हैव 120 पंप्स इन न्यू ऑर्लियंस सिमिलर टू दैट, और इन पंप्स, ये पंप 24/7 रन करते जब जाके हमारा न्यू ऑर्लियंस एकदम ड्राई रहता है, क्योंकि न्यू ऑर्लियंस इज लाइक अ बाउल, पानी ऐसे एजेस पे है, अंदर आने की कोशिश कर रहा है और उस पानी को कंटिन्यूसली निकालना पड़ता है, तो पंप 24/7 रन करते रहते हैं पानी को निकालने के लिए। हाँ, बारिश के मौसम में तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है उनको। चमत्कार है एक्चुअली ये, एक तरीके से न्यू ऑर्लियंस जिस तरीके से लोगों ने इसको बनाया हुआ है, क्योंकि पानी के, पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है ये बहुत बड़े तरीके से। सो बेसिकली न्यू ऑर्लियंस इज 5-10 फीट बिलो द सी लेवल। ये है सुपर डोम, मर्सिडीज बेंज सुपर डोम, यहाँ पे बड़ी बड़ी कॉन्सर्ट्स, गेम्स वगैरह सब कुछ होता रहता है न्यू ऑर्लियंस का। ये हमारा डाउन टाउन है, भूख ज्यादा लग रही है हम लोगों को, तो पहले हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे मोटरसाइकिल का कवर लेने के लिए। और हम लोग जाने वाले हैं एक वीगन रेस्टोरेंट में जिसका नाम है सीड्स। आंख बंद करके वहां खा सकते हो आप, ना कोई टेंशन ना कोई डर, नो टेंशन नो खतरा। ग्राम सुनरक जिला मथुरा, हम है वृंदावन से। अगर देखा जाए जो ये बंदे ने बनाई है, बहुत अच्छी सिंपल पेंटिंग की हुई है, मगर बहुत अच्छी लग रही है। I didn't want to interrupt the photo shoot. How was everything so far? Good. चलो जी, हमारा यहाँ पे खाना हो चुका है खत्म, अब चलते हैं हम लोग अपने मोटरसाइकिल का क्या लेने के लिए, और रीमा के लिए हेलमेट भी लेना है आपको। बारिश हो जा रही है सुबह से, मतलब इट्स ड्रिजलिंग, मतलब रिमझिम रिमझिम बारिश बारिश चलती जा रही है, रुकी नहीं रही है। सही बात, देखते क्या क्या मिलता है आज। How's it going? Good. This week's I'm sorry.
So you just need some like a dust cup. Yeah. Then this will work for you. See, huh? So. Thank you. Sure. Helmet here. Huh. Do you mind if we video? Oh, absolutely not. Go ahead. Give this one. Yeah. Can she try it on? Yeah. It doesn't work well with keeping the mask on, unfortunately. You have to take it off because you might want to take it off. What size is it? Something like this. Too big. Too big? Yes. What size you do you never, think? You don't want the helmet to come down and touch there. Okay. That's not good. So this is loose? That's too loose. Okay. In 30 days, it would shake on your head. A brand new properly fitted helmet really isn't that comfortable. Because the head and the helmet, like I say, the mask doesn't work well. You have to take it off. Yeah, it will make the space. Right. Really, really yeah, it should be. Because the cushions are going to break in 15-20%. So in about 30 to 40 days, depending on how regularly you use it, those cushions are going to break in. It's going to get looser. Okay. If it's loose on you today, it's going to be a real problem in 30 to 40 days. It should make it should feel like if you were to try to chew gum right now, you would bite the inside of your teeth. Yeah. This is the perfect size for you. Yeah. Finally, you got your helmet. Yeah. आप सारा सामान खाना पीना खा लिया, सामान ले लिया, सीधा घर जा रहे हैं. और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.